स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। तो चलिए जानते हैं कि अभी इस वक्त की आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। अगर आप उनके साथ अभी इस समय नहीं हो, रीडिंग जर्नल है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। अचानक से ये वीडियो आप तक पहुंची है तो आपके लिए इसमें ज़रूर कुछ मैसेज हो सकता है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को देखना तो है ही, साथ में वीडियो को लाइक भी करना है, एनर्जी को क्लेम भी करना है एंड चैनल को करना है सब्सक्राइब और बन जाना है मेरी इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली का हिस्सा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने पर्सन के पिक्चर को देखिए, तीन बार लेना है उनका नाम अपने नाम के साथ, बहुत प्यार से उनको देखना है। चलो देखते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं। तो यूनिवर्स मैसेज आने वाला है। तो बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जिनकी पिक्चर मेरे व्यूवर्स अभी इस समय देख रहे हैं, बहुत प्यार से जिनका नाम अपने नाम के साथ ले रहे हैं, तो उनकी फीलिंग्स अभी इस वक्त की क्या है, गाइड कर दीजिएगा, डिवाइन मैसेज दीजिएगा और मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको गाइड कर दीजिएगा कि क्या चल रहा है उनके पार्टनर की लाइफ में। तो कार्ड्स, ये कार्ड अभी पहले भी गिरा था, तो ये आपकी एनर्जी निकल के आई है। आप इस समय अपने काम के ऊपर पूरी कोशिश कर रहे हो, ध्यान देने के लिए ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो कि चलो भाई दीदी की बात सुन लेते हैं। वेट गाइस, कार्ड नीचे गिर गया, तो अपने काम की ओर ही ध्यान दे लेते हैं एंड आपके पार्टनर भी अपने काम की ओर, अपने पेंटिकल्स की ओर, अपने बिजनेस की ओर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। और यूनिवर्स क्या है भाई साहब की लाइफ में, बहन जी की लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के बारे में सोच रहे हैं अभी इस समय। सोच तो रहे हैं लेकिन घमंडी हैं भाई, बहुत घमंड है इनमें। एम्परर की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पार्टनर अभी इस समय आपको मिस तो कर रहे हैं, काम पर भी ध्यान है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले कि ये आपको मिस कर रहे हैं, ये आपको मिस कर रहे हैं, इनको आपकी बहुत याद आ रही है, ये आपको अपनी गोद में बिठाना चाहते हैं, आपको बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं। अगर मैं ये बता दूंगा तो सामने वाली सोचेगी कि मैं तो उस पर लट्टू हो गया हूँ, इसीलिए ये एम्परर वाली एटीट्यूड में बैठे हैं एंड कुछ भी आपको बताते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं या आप इनसे एज में बड़े हो, एज गैप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है 10 साल का एज गैप हो या 4 साल का भी एज गैप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है यूनिवर्स, और बताइए, ये गिरे थे, ये दोनों कार्ड गिरे थे, तो आपको याद करते हुए आपको मैसेज करना चाहते हैं, मैसेज टाइप करते हैं फिर डिलीट कर देते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत सी बातें करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, भाग कर आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन क्या करें भाई, ईगो भी तो साथ है, उसको भी तो ज़िंदा रखना है। किंग ऑफ स्वॉर्ड, बर्डन फील कर रहे हैं, आपके बिना रहना तो मुश्किल हो रहा है, आपकी यादों से जितना भागने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। मन तो बहुत है, मन में बहुत सी बातें हैं, मन भारी है, भर गया है फीलिंग से, बातों से, इमोशन से, बताना चाहते हैं लेकिन क्या करें। यहाँ पे भी किंग ऑफ सोर्ड है, यहाँ पे भी एम्परर कार्ड आया है जो बताता है कि जनाब में ईगो इतनी है कि अपने सामने, अपनी ईगो के आगे किसी को कुछ समझते नहीं हैं। मन में बहुत कुछ है आपके लिए, बहुत क्रेव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आपसे बहुत प्यार भी करना चाहते हैं, अपने आप को काम में लगा के रखा है, बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप चलते रहते हो। यस डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट के साथ, फ्रेश स्टार्ट के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं एंड अच्छा खासा आपको स्टॉक किया जा रहा है, काफ़ी बर्डन फील भी कर रहे हैं। अच्छी यस, नाइट ऑफ सो डेवल, याद आ रही है तुम्हारी बहुत ज़्यादा, ये आपके पार्टनर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही भाई, ये आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो आपको बहुत याद कर रहे हैं।
यहाँ कुछ इस तरह से भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, एंड जो पहले जो सिचुएशन थी आप दोनों में, वो नोक झोंक, मीठी मीठी बातें, उन सबको फिर से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्योंकि अब क्या हो गया है इनकी लाइफ में, अब इनकी लाइफ भर गई है फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर का बाहर का जो भी है इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, एंड अब इनको कोई भी बाबू सोना नहीं कह रहा है, अब इनको कोई भी नहीं पूछ रहा है कि भाई खाना खाया है कि नहीं खाया, या देर से मत सो, रेस्ट कर लो, कुछ प्रॉब्लम है मेरे साथ बात कर लो, क्योंकि आप तो इनको बहुत प्यार करते थे ना, इनको बहुत ध्यान देते थे, 24/7 आप इनके लिए अवेलेबल रहते थे, अब इनके पास मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, बार बार सोशल मीडिया चेक करते हुए नज़र आ रहे हैं कि चेक करूँ कि वो क्या करी है, क्या वो मुझे मिस करी है, क्या वो मुझे मिस कर रहा है। तीसरा पर गाइज आपने ध्यान नहीं देना है, ठीक है, तो ये चीज़ें ये करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे ये उम्र में बड़े हैं लेकिन हरकतें इनकी बिल्कुल बच्चों जैसी हैं, आपको चेज़ करना लेकिन पता नहीं चलना चाहिए भी मैं उसको देख रहा हूँ, आपके जो गिफ्ट्स हैं अगर आपने इनको दिया है उसको देखना, आपका कोई सॉन्ग है जो आप दोनों सुनते थे उसको बार बार सुन रहे हैं एंड देख रहे हैं, एंड काफ़ी क्रेव भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत प्यार है इनके अंदर, लेकिन मुझे यहाँ पे इस तरह से भी दिखाई दे रहा है कि अगर ये बिजनेसमैन है तो इनका एक सोसाइटी में रुतबा हो सकता है, जिसके कारण ये आपकी तरफ सोसाइटी कॉन्शियस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर बातचीत बंद है तो ये क्या करते हैं, आपको अनब्लॉक करते हैं, सीन देखते हैं, एंड फिर क्या करते हैं, फिर से ब्लॉक कर देते हैं। आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है नेक्स्ट मंथ आने वाला हो, पता नहीं ये किसके लिए मैसेज था, मुझे एकदम से ये चैनल हुआ, तो नेक्स्ट मंथ हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है, तो उस दौरान ये आपको कॉन्टैक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, आपके पार्टनर खुश तो नहीं है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी शक्ल पे गुस्सा है एंड यहाँ पे भी बहुत गुस्सा आया हुआ है, इनको पेन है कि कम नहीं हो रही है, अपने आप को हील करना चाहते हैं, इस जिम्मेदारियों से बाहर आना चाहते हैं, एंड इनको अच्छा खासा पता है कि ये हील कहाँ पे होंगे। यस राइट, ये आपके पास आएंगे हील होने के लिए, क्योंकि इनको सुकून ही आपके पास मिलता है। एक होता है ना कि जब हमारा पार्टनर हमें फ़ोन करता है या मैसेज करता है तो हम कैसे रिलैक्स हो जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं कि नहीं ये मुझे चाहता है, कोई बात नहीं, शाम को फिर से कॉल करेगा, फिर से मैसेज करेगा, और बीच बीच में उनके जब मैसेज आते हैं तो हमें और भी अच्छा लगता है, हमारी जो एनर्जी और भी पॉजिटिव हो जाती है। तो सेम आपके पार्टनर भी आपसे मिलना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं, एंड अच्छे से जानते हैं कि सिर्फ आप ही उनको हील कर सकते हो, काफ़ी सोच विचार करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, अट्रैक्शन भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मे भी हो सकता है कि मेरे व्यूवर्स को अपने पार्टनर का वीडियो कॉल आ सकता है, तो भाई रेडी होके बैठ जाओ, ऐसे भूत बन के नहीं बैठो घर में। मजाक कर रही हूँ। सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं एंड इमोशंस इनके काफ़ी हाई हैं, एक न्यू बिगनिंग भी आपके साथ करना चाहते हैं, शर्मिंदा भी हैं, अरे यार मैंने ये क्या कर दिया, इतने अच्छे खासे रिश्ते का मैंने क्या ही कर दिया, तो इस बात को लेकर भी ये काफ़ी अफसोस मनाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ मुझे ये भी ऐसा भी लग रहा है कि बहुत जल्दी ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। ये स्लो रीडिंग करें, चल देखते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं। कोई क्वेश्चन माइंड में तो पूछिए। प्यार बहुत है, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी जो मैं हमेशा बताती हूँ कि कोई भी हो सकता है, इनका काम, इनकी ईगो जो हमें दिखाई दे रही है, एंड काम भी भर भर के दिखाई दे रहा है, एंड जिम्मेदारियां भी दिखाई दे रही हैं, तो ये सब थर्ड पार्टी के बीच में ही आती हैं। अगर ये मैरिड है, ठीक है, तो इनका कोई लव पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आया है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो बता रही है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है। अभी तक तो मेरे व्यूअर्स कार्ड पढ़ना भी सीखे होंगे, यस डेफिनेटली आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, एक दूसरे से जो वादे किए हैं वो तब भी पूरे नहीं किए थे, लेकिन अब इस जन्म में कर लो पूरे, नहीं तो 7 जन्मों में ऐसे ही चक्कर ये चलता रहेगा और फिर आप नेक्स्ट जन्म में फिर से बोलोगे अरे यार मैंने ऐसा क्या किया इस बंदे के साथ, ये मुझे इतना परेशान क्यों कर रहा है। ऐसे ही सिचुएशन आपके पार्टनर की होने वाली है, तो सोच लो कोई भी क्वेश्चन, तो देखते हैं कि यूनिवर्स आपको उसका क्या आंसर देते हैं। सोचो सोचो, ध्यान कीजिए अपने पार्टनर के बारे में, देखो कार्ड्स आपके सामने शफल करें, लेकिन क्या आया है। इसको मैं रख लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको बस देखते रहा करो और सोचते रहा करो कि यस मेरा पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करता है, बस ये अफर्मेशन बोलते रहा करो।
चले सोचो क्वेश्चन। तो ओ, ये कार्ड हमारे में भी आया था, ये कार्ड पहले इसमें भी गिरा था, है ना। टेन ऑफ कप्स, ओके। तो यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूवर्स जिस भी पार्टनर का बहुत कुछ बताना चाहते हैं आपको। वेट गाइस, ये कार्ड गिरे हैं लेकिन हम लेंगे नहीं, पास्ट लाइफ रिलेशन है। तो यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा कि इस समय मेरे व्यूवर्स जो भी क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, आपको एक कार्ड देना है यस नो में और बताना है कि उसका आंसर क्या है। टेंशन मत लिया करो, आपके सामने कार्ड्स आते हैं एंड यहाँ पे हमेशा कार्ड्स आपको ये बताते हैं। आप एक रीडिंग नहीं, बहुत सी रीडिंग भी अगर देखते हो तो उसमें यही बताया जाता है। बस ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमारी सिचुएशन है ना, क्योंकि आप लोगों की सिचुएशन क्या है आप सब बेहतर जानते हो, ठीक है, तो वो सिचुएशन हमें एक्सेप्ट नहीं करने देती है इस पॉजिटिविटी को। तो आपने इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना है, ठीक है। लाइक करते हुए वीडियो को आपने क्लेम करना है, ठीक है। तो यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए और बताइए मेरे व्यूवर्स का आंसर क्या है। वन कार्ड ओनली, आर्कएंजल माइकल। हे शिव शक्ति, हे भोलेनाथ, आप तो सब जानते हो, सबके दिल की बातों को आप जानते हो, कुछ भी आपसे नहीं छुपा है। तो मेरे व्यूवर्स के दिल में जो भी क्वेश्चन है इस समय, जो भी क्वेश्चन वो सोच रहे हैं, तो उनको सही गाइड कर दीजिएगा, डिवाइन मैसेज दीजिएगा। चलो मैं खुद ही निकालती हूँ, ठीक है। ये देख लो क्या आया, नाइट ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड। बहुत तेज़ी के साथ आपका आंसर यस है, बहुत तेज़ी के साथ आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत डेस्परेट है आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए, आपकी आवाज़ को सुनने के लिए। तो जल्दी से अभी इसको आपने वीडियो को लाइक तो करना है, क्लेम भी करना है। तो यूनिवर्स कब तक चांस है इनके आने के, कब तक चांस है मेरे व्यूवर्स को प्लीज़ गाइड कर दीजिएगा। हे माँ शक्ति, हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि कब तक आने के आसार हैं जनाब के, घोड़े पे बैठे हैं, जल्दी से आने वाले हैं। तो देखें, देखो खुद ही कार्ड्स आ रहे हैं, नाइन ऑफ कप्स, नाइन, हाँ दी, नाइन घंटों के अंदर बोलो, हाँ नाइन आवर्स के अंदर। मैं तो चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपको इस रीडिंग के बाद ही किसी को अपने पार्टनर का मैसेज रिसीव हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि इस समय मेरे व्यूअर्स काफ़ी पॉजिटिव हो रखे हैं। एंड यस, नाइन आवर्स के अंदर, नाइन डेज के अंदर, नाइन वीक्स के अंदर, नाइन मंथ भी यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। तो बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपकी तरफ अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो एस ऑफ पेंटिकल, यस, दो एसीज आए हैं, एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ पेंटिकल। तो न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। तो जल्दी से अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, लेटर्स जो आपके फेवरेट हैं जल्दी से हम उनको चेक कर लेते हैं। सेवन, 74 का बर्थ हो सकता है, 77 हो सकता है, आजकल आपको 777 नंबर अगर दिख रहा है तो वो बताता है गुड फॉर्चून को, आने वाले नई चीज़ों को। नंबर ना जब आते हैं ना आपकी आंखों के सामने, तो आपने क्या करना है, मैं क्या कर रही हूँ, नंबर नीचे क्यों लगा रही हूँ, तो आपने गूगल से सर्च कर लेना है। 31 के हो सकते हो आप, ठीक है, जो देख लीजिएगा, अगर नाम बनता है तो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। जी है, क्यू है, एल है, नंबर 5 है, यू है, एल ओ वी ई, लेकिन ये तो यू है दी, आ जाएगा, आ जाएगा, अभी अभी करो विश की आ जाए जल्दी से। एन, एन है, एफ, सी है, ये यहाँ पे वी आ जाए तो मज़ा ही आ जाए, एल है, एच, के, क्वीन, यहाँ लगा दें, हम कपल आया ना तो हम दोनों को यहाँ पे लगा देते हैं,
ठीक है। 35 के आप हो सकते हो, 38 के हो सकते हो, 33 नंबर आपको दिख रहा है तो हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, ज़रूरी नहीं कोई लव पार्टनर ही हो, है ना। ठीक है, देख लीजिएगा क्या बन रहा है। आर है, नंबर निकालें आप। अरे बाप रे, किसको दिख रहा है 33 नंबर, चेक कीजिएगा, गूगल पे जाओ और चेक करो क्या मीनिंग है। और आप इस समय जब आपको ये नंबर दिखा है तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। अपनी सिचुएशन को देखो कि इस समय आप क्या सोच रहे थे, तो उस हिसाब से उस चीज़ को आपने लेना है, ठीक है। एम आर हो सकते हैं या आर एम हो सकते हैं किसी कंपनी के। क्वीन आ गई है फिर से, नंबर 5, 8 आई होप आपको दिख रहे हैं, है? काफ़ी पॉजिटिव आई है रीडिंग, तो ऐसे ही पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, तो जल्दी से आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। अपने काम की ओर ध्यान दीजिएगा, अपनी ग्रोथ की ओर ध्यान देना है। सिक्सटीन के तो नहीं हो भाई, ध्यान से भाई पढ़ लो, ध्यान दे दो पढ़ाई की ओर, देख लीजिएगा। 222 नंबर हो सकता है आपको दिखता हो, नंबर आएगा है ना 8। तो ये तो थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से क्या करना है, लाइक लगाना है, शेयर करना है एंड चैनल को करना है सब्सक्राइब अगर आप आए हो पहली बार। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा एंड जल्दी से इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे प्यार के साथ, बहुत सारी दुआओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।